न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती चल रही है और अभी तक के रुझानों की बात करें अब तक 72 सीटों के रुझान सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में बीजेपी और जेएमएम गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं जेएमएम 33 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही जेवीएम 4 सीटों पर, एजेएसयू 6 सीटों पर आगे है, बाकी की बात करें 5 सीटों पर बढ़त बनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नतीजों का रुझान जो आना शुरू हो गया है। अब तक 72 सीटें ऐसी जहां पर रुझान सामने आ रहे हैं। रुझानों में बीजेपी और जेएमएम गठबंधन में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बीजेपी 25 सीट पर आगे, जेएमएम 33 सीट पर आगे, जेवीएम की बात करें 4 सीट और इसके साथ ही एजेएसयू 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है, अन्य 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सिल्ली से आगे चल रही हैं, वहीं मांडर से बंधु तिर्की आगे हैं, तो वहीं रामकुमार पाहन भी फिलहाल अपने प्रतिद्वंदी को मात देते हुए बीजेपी के आगे चल रहे हैं। और फिलहाल मतों की गिनती जो है वो ईवीएम की शुरू हो चली है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर में और भी जगहों के रुझान आएंगे और जिसके बाद हमें स्पष्ट जानकारी और मिलेगी। और फिलहाल ये स्थिति है, यहाँ पर 3 जगहों से अभी हमें रुझान प्राप्त हुआ है। ये फर्स्ट राउंड का है विभा, और फर्स्ट राउंड में ये 3 जगहों का जो रुझान आया है उसमें सुदेश महतो जो कि यही बड़ी खबर है इस वक्त की, सुदेश महतो जो कि ये कह रहे थे कि किंग मेकर नहीं, किंग की भूमिका में हम होंगे, अब वो आंकड़ा उनके पास घसकता हुआ 3 सीटों पर रुझानों में ही वो अभी इस वक्त बढ़त में है। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, सुदेश महतो सिल्ली से पीछे हो गए हैं, यहाँ पर सीमा महतो आगे हो गई है। हालांकि अभी पहले जो राउंड है उसकी मतगणना हुई है, यानी कि अभी आगे और चरणों की मतगणना होनी बाकी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आजसू प्रमुख सुदेश महतो पीछे हो गए हैं। सुदेश महतो सिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ से सीमा महतो आगे चल रही है। विभा बिल्कुल अलीम, देखिए 72 सीटों पर इस वक्त रुझान जो है सामने, 81 विधानसभा सीटों की इस क्षेत्र की बात करें, 35 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि महागठबंधन जो है वो लीड लेती हुई रुझानों में, और अब सिर्फ 9 सीटें, यानी कि अगर ये माना जाए कि ये 9 सीटें जो हैं वो इस वक्त आसू जो है वो सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वो किंग मेकर की भूमिका नहीं, किंग के दावे कर रही थी, लेकिन सुदेश महतो खुद अपनी सीट सिल्ली से पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये शुरुआती रुझान है, ये जिस एरिया का पहले राउंड में जिस एरिया का खुलता है। सुदेश महतो अपनी सीट से अगर पीछे चल रहे हैं तो फिर बाकी क्षेत्रों के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। ये तुरंत ठीक हो जाएगा, सेकंड राउंड तक ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए अब ये 72 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, 73 अब ये आंकड़ा हो चुका है, लेकिन अब आपके वो 5 से आंकड़े 2 पर आ गए, तो अब भी आप ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं? आप 27.425 वो भी देख लीजिए, तो अभी किसी को बहुमत के लेवल पर नहीं आया, अभी तो बैलेंस। लेकिन फिर भी 35 के आंकड़े पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, 73 के रुझान सामने है, तो अगर 8 सीटें भी बचती हैं तो ऐसे में वो आंकड़ा उन तक पहुंच सकता है। 36 देखिए लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ, 36 सीटें रुझानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने महागठबंधन के साथ, और रघुवर दास का जिक्र बार बार करना चाहेंगे, 2 सीटों पर यहाँ पर क्या स्थिति है सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी सीट से भले रघुवर दास जो है इस वक्त आगे बढ़ चुके हैं, जो कि पीछे चल रहे थे, एक राउंड में वो पीछे हुए थे, लेकिन इस वक्त उन्होंने 522 वोटों से अपनी बढ़त को एक बार फिर से आगे कर लिया है, लेकिन ये आंकड़े उनको परेशान जरूर कर रहे होंगे। देखिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अन्नी अमृता का, जो नजर से बारीकी से उस पर देखती है कि क्या स्थिति जमशेदपुर पूर्वी की है। अन्नी फिलहाल किस तरह की वहां पर हलचल आप देख पा रही है? देखिए जो पहले राउंड की समाप्ति हुई है, जो बिल्कुल आधिकारिक जानकारी है, जो हम अंदर गए थे भीतर गए थे उसके हिसाब से सीएम जो है 372 वोट से आगे चल रहे हैं सरयू राय जी से। जो अधिकारी ने हमें जानकारी दी, हम टेबल के पास थे, वहां से जो जानकारी है मैं बता दूं आपको, 4183 वोट सीएम को मिले हैं और 3811 सरयू राय जी को मिले निर्दलीय प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी। तो बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है और आने वाले समय में पल पल ये आंकड़े बदल सकते हैं, और दोनों ही प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं या जो चेहरे उन पर ये तनाव की लकीर आ रही है, क्योंकि बहुत ही टाइट शेड्यूल चल रहा है और इसमें बहुत कांटे की टक्कर चलेगी। तो 372 की लीड फिलहाल मुख्यमंत्री को पहले राउंड की समाप्ति के बाद है, और बता दूं कि दूसरे राउंड की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त आंकड़े पर गौर कीजिए,
ये 37 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि महागठबंधन जो है वो इस वक्त लीड लेती हुई, रुझानों में बढ़त बनाती हुई, यानी कि कंफर्टेबल सिचुएशन तक पहुंचती हुई। और रुझानों की भी बात करें तो 41 सीटें ही चाहिए, बहुमत का वो जादू आंकड़ा 41 का ही है। सीधे रुख करेंगे झारखंड का। रांची से हमारे साथ इस वक्त दिवाकर तिवारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, इस आंकड़े को और साथ ही साथ बड़े चेहरे को फिलहाल किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जैसे ही सुबह से आंकड़े आने शुरू हुए और रुझान सामने आए और जब कांटे की टक्कर रही और लीड दिखाई नहीं दे रहा था तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल जेएमएम की सीटें बढ़ती जा रही है, जेएमएम तो यहाँ थोड़ी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन, उनके तो कुछ तकनीकी बाध्यता है और इस बाध्यता की वजह से हम वहां तक सही तरीके से उन चीजों को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं वही सबसे खास हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। 37 के आंकड़े पर इस वक्त रुझानों में लीड लेती हुई महागठबंधन, जिसका दावा महागठबंधन कर रही थी कि हमें किसी के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या वो स्थिति नजर आती है? 76 सीटें, 81 विधानसभा सीटों में 76 सीटों पर रुझानों में स्थिति साफ हो चुकी है। 37 सीटें रुझानों में महागठबंधन ने बढ़त के तौर पर बनाई हुई है, जबकि 28 सीटें बीजेपी के पास रुझानों में इस वक्त दिख रही है। लेकिन 38 सीटें ये देखिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रुझान की अगर हम बात कर रहे हैं तो 38 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा रुझानों में बढ़त के तौर पर, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें अगर और इनके पास जाती हैं। खबर इस वक्त हम आपको बता दे, बड़ी खबर यह है कि 77 सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझानों में बहुमत से सिर्फ 3 सीट पीछे है। इस वक्त जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 3 सीट पीछे है, यानी कि बहुत जल्द बहुमत का आंकड़ा छू सकता है जेएमएम और गठबंधन। हालांकि अभी 77 सीट, 4 सीटों के रुझान आने बाकी हैं और जैसे ही 4 सीटों के रुझान आएंगे, देखने वाली बात यह होगी कि ये 4 सीटें किसकी तरफ जाती है, ये आंकड़ा कैसे बदलता है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस 12 और इसके अलावा आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर देखें तो 77 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें बीजेपी 28, जेएमएम और उसकी गठबंधन पार्टियां 38, और अगर हम गठबंधन की बात करें तो जेएमएम 22 सीट, कांग्रेस 12, और जबकि झारखंड में इस बार लालटेन की लौ जलती हुई दिख रही है। 4 सीटों पर आरजेडी भी बढ़त बनाए हुए है। ये आप देखिए, 38 सीटों के जो रुझान है उसको हम अलग अलग दिखा रहे हैं, पार्टी वाइज दिखा रहे हैं। कांग्रेस 12 सीटों पर, जेएमएम 22 सीटों पर, जबकि आरजेडी 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 37 सीटें जो है उस पर जेएमएम और गठबंधन आगे बने हुए हैं। विभा, बिल्कुल अलीम, तो ये देखिए किस तरीके की फाइट है। 37 सीटें महागठबंधन इस वक्त रुझानों में और 77 सीटें जो हैं वो इस वक्त रुझानों में साफ हो चुकी हैं, यानी कि वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें और महागठबंधन को भी सिर्फ 4 सीटों की दरकार, जिसके बाद रुझानों में बहुमत उसके पास होंगी। सीधे रुख करते हैं रांची का, हमारे साथ दिवाकर लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जी अभी हम इस वक्त हेमंत सोरेन के आवास पर मौजूद हैं। हेमंत सोरेन ने अभी सुबह से कोई बातचीत नहीं की है, हेमंत सोरेन अपने आवास के अंदर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर टकटकी लगाए हुए हैं, लगातार ट्रेंड्स से रूबरू हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास वो अपने आवास से बाहर निकलेंगे और वो बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेएमएम गठबंधन की सीटें आगे बढ़ती जा रही है रुझानों में, उत्साहजनक माहौल है। और यहाँ जो कुछ लोग हैं मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं वो लगातार मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ हेमंत सोरेन के सहयोगी हैं सुनील श्रीवास्तव, जो लगातार जानकारी ले रहे हैं। न्यूज़ 18 पर लगातार टकटकी लगाए हुए हैं जेएमएम के जो समर्थक हैं और खुद पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता, गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हेमंत सोरेन यहाँ मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि 11:30 बजे का वक्त होगा जब वो पहली बार आकर बातचीत करेंगे। अभी रुझानों पर उनकी निगाहें हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जेएमएम गठबंधन, जो कांग्रेस भी शामिल है उसमें, आरजेडी
भी है। आरपीएन सिंह जो प्रभारी हैं वो भी रांची पहुंच गए हैं, देर रात वो रांची पहुंचे और 10 बजे वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। रुझानों पर उनकी लगातार निगाहें हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 10 बजे के बाद वो जरूर प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध होंगे। 11:30 बजे ये बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध होंगे। तो अभी फिलहाल निगाहें हैं जो रुझान है उस पर लगातार टकटकी लगाए हुए। जी बिल्कुल दिवाकर, तो सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अगर स्थिति साफ हो जाए तो उसके बाद मीडिया से मुखातिब हों, फिर जश्न की तैयारी भी अपने अपने स्तर पर होगी। फिलहाल जो है बीजेपी की तरफ से ये कोशिश शुरू कर दी गई है कि आजसू या फिर झारखंड विकास मोर्चा, अगर जरूरत पड़ी तो इन तक भी अप्रोच किया जाएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा है कि महागठबंधन अकेले अपने बूते पर सरकार बना लेगी और जरूरत नहीं पड़ेगी हमें किसी और के सहयोग की। लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ गई तो फिर क्या ये आंसू होगी या फिर झारखंड विकास मोर्चा होगा, ये भी जान लेते हैं। देखिए, रुझानों से साफ है कि इस बार किंग मेकर जो है वो झारखंड की जनता है और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि महागठबंधन अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे और माननीय हेमंत सोरेन का चेहरा जो इन 5 सालों में निकल करके आया है, पूरे राज्य के हर एक वर्ग ने उनको एक्सेप्ट किया है और ये मुख्य एक तरह से आप कहें तो डायरेक्ट चुनाव उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुनने के लिए किया गया। ये चुनाव मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ताजपोशी के लिए जनता ने किया है। अभी ये बोलने का मौका आंसू के पास जो है वो नहीं है, क्योंकि आंसू ये दावा जो कर रही थी कि देखिए हम किंग मेकर नहीं किंग की भूमिका में होंगे, तो क्या ये स्थिति दिखती है? 2 सीटें अब सिर्फ रुझानों में उनके पास है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, शुरुआती रुझान है। हालांकि 77 सीटों पर रुझान जो है सामने आ चुके हैं। 81 विधानसभा सीटों की इस तस्वीर को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि 37 सीटें यानी कि 4 सीटों की दरकार महागठबंधन को रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पाने के लिए, और बीजेपी के लिए दिल्ली अभी दूर है। जी हां, 29 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, लेकिन दावे अभी भी बीजेपी के यही हैं कि हम उस आंकड़े को पा लेंगे, लेकिन अब वो आंकड़ा वो फासला तय करना मुश्किल है। देखिए, अभी का ग्राफ जो चल रहा है काफी अंडुलेटिंग है, अप्स एंड डाउन है, और जब भी ये ट्रैक पे आएगा तो आप देखेंगे जो आंकड़ा हमारा है वो आंकड़ा पार। आंसू के पास पहले 5 था लेकिन वो 2 पे अब आ चुकी है, तो क्या जेवीएम से भी संपर्क होगा? नहीं, ये बात की बात है, मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट आने चाहिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे एज पर ऑन रिजल्ट। ये देखिए इंतजार किया जा रहा है कि देखिए अभी साफ हो जाने दीजिए। हालांकि कोशिश अपने स्तर पर शुरू हो गई होगी, क्योंकि जो रणनीतिकार हैं वो इन्हीं कैलकुलेशन में बैठे होते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं और कितनी खाई को पाटा जा सकता है। अब ये स्थिति 29 सीटों पर बीजेपी इस वक्त रुझानों में बढ़त लेती हुई, 37 सीटों पर महागठबंधन, और कंफर्टेबल सिचुएशन इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जरूर नजर आती है। ऐसे में जेवीएम की स्थिति भी बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दे, झारखंड के शिकारी पारा सीट से सालखन मुर्मू जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त पीछे चल रहे हैं। वही जेडीयू जो अपना जनाधार बढ़ाने की बात कर रही थी, और यहां पर नलीन सोरेन जेएमएम के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। कांटे का मुकाबला यहां पर था, सालखन मुर्मू जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं, जबकि नलीन सोरेन जेएमएम के यहां से आगे चल रहे हैं। विभा बिल्कुल, ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि देखिए इन 37 सीटों में चूंकि 3 पार्टियां शामिल हैं, उन 3 पार्टियों की भूमिका, उनकी एकजुटता इस बार काम कर गई। बीजेपी 29 सीटें जो हैं ये देखिए बीजेपी के पास रुझानों में, 29 सीटें जो हैं बीजेपी के पास रुझानों में, 37 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास अपने अलायंस के साथ, 2 सीटें आंसू रुझानों में बढ़ात। अन्य की बात करें, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नतीजों का जो दौर है वो आना शुरू हो गया। एक तरीके से अभी तक जो रुझान है उसमें 77 सीटों पर रुझान आने शुरू हैं। बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की जो है वो भी 37 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही जेवीएम 4 AJSU 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड विधानसभा के लिए मतों की गिनती, वोटों की गिनती जारी है और एक एक करके जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं हैरान और चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन अभी ये कहना होगा कि नतीजे बाकी हैं, क्योंकि ये सिर्फ रुझान है। रुझानों में जिस तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है उस हिसाब से आपको बता दें एक बार फिर से बीजेपी 29 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 77 सीटें जहां पर रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, बने रहे हमारे।